डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। देखो, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं दो लाइन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैथमेटिक्स हमारे पास दो तरीके की होती है, एक कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स और एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एक तो कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स और एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दोनों में मैं छोटा सा अंतर बताता हूँ। कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स वो होती है जिसमें हम लोग जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो किसी भी वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल, बहुत सारे ऑपरेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे जो किसी भी वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके, उसको हम डालते हैं कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये कहती है कि जहाँ पर हम लोग वैल्यूज कुछ फाइनाइट वैल्यूज पे, कोई भी ऑपरेशन जो हम फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पे करें, finite number of values का मतलब fixed number of values। जैसे मैं कहता हूँ कि हमें operation perform करना है 1, 2, 3, 4 पर, या मैं कहता हूँ कि हमें operation perform करना है a, b, c, d, तो ये क्या है? values fix हैं। ये values और ये values हमारी क्या है? finite, finite मतलब countable, finite values हैं, fixed values हैं, तो इन पे जो हम लोग operation करेंगे वो आते हैं discrete mathematics के अंदर, जैसे कि union, intersection, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक, तो मैंने आपको छोटा सा डिफरेंस दिया कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। थ्योरी ऑफ लॉजिक में हम लोग लॉजिक में बेसिकली लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड और, नॉट, एक्सॉर, ये सारे गेट्स जो भी हैं, ये सब चीज़ें। तो अब मैं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जहाँ जहाँ हम आगे बढ़ते चलेंगे तो मैं इंट्रोडक्शन देता चलूँगा। हम डायरेक्ट अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सेट थ्योरी। अब देखिए, जब सेट थ्योरी हमारी होती है, मैं आपको लिखते चलता हूं साथ में, सेट थ्योरी। तो सेट में सबसे पहले चीज ये निकल के आती है कि भाई सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट आप सभी को मालूम होगा कि सेट हम लोग लिखते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स से क्या हमारा मतलब होता है? देखिए, जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं, अभी मैंने जैसे ये लिखा है आपका 1, 2, 3, 4 या ABCD, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी हम वैल्यूज दे रहे हैं वो फाइनाइट हों, प्रॉपरली डिफाइंड हों और properly managed। तो set को हम लोग लिखते कैसे हैं? इस तरीके से curly braces के अंदर जो भी हमारी values होंगी हम इस तरीके से इसको set में represent करते हैं। तो अब जो हमारा first topic है, सबसे पहले तो representation of set की, हम लोग set को represent कैसे करते हैं। तो देखिए, अब representation कैसे करते हैं set के, जब हम representation की बात करते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड हैं। कुछ जगह आपको दो ही मेथड मिलेंगे, वो तीसरे मेथड को दूसरे मेथड में डुप्लीकेट कर देते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। लिखने के हम लोग जनरली तीन फॉर्म यूज करते हैं, कौन कौन से? स्टेटमेंट फॉर्म या फिर दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा हमारा फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म। कुछ जो स्टेटमेंट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को एक ही में एड ऑन कर देते हैं। अब देखिए, स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा एक सेट लिखा कैपिटल ए, जो सेट का नाम होगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं हम लोग, ठीक। इसके अंदर मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ इवन नंबर्स less than 15। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15, मतलब 15 से छोटी सारी इवन नंबर्स की वैल्यू इसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से जब कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखिए, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इन्हीं वैल्यूज, इसी सेट की जो हम डेफिनेशन दे रहे थे, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कैसे? अब इसी को मुझे लिखना है
जो प्रॉब्लम ये थी, इसी प्रॉब्लम को मैं लिखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2n या x इक्वल टू 2n टू कैपिटल n, वेयर n की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है और 7 से लेस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2n, स्मॉल n ले लीजिए चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही चीज लिखी हुई है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15। आप देखिए यहाँ पर वैल्यूज कितनी आएंगी, अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूँ तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी आएंगी, अभी नहीं, अब वैसे समझिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी 2, 4, 6, है ना, 8, 10 और 14। अब देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग वैल्यूज को एग्जैक्टली फिल करके लिखते हैं कि वैल्यूज हमारी क्या है। जैसे इसी एक ही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इसी एग्जांपल को मैं तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर यही चीज रोस्टर फॉर्म में लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के ये तीन तरीके होते हैं, एक तो स्टेटमेंट फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में जो भी सेट लिखा जाएगा वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि x कोई वैल्यू है वो क्या है, x इक्वल टू 2n और n की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो और रोस्टर फॉर्म में हम एग्जैक्ट वैल्यूज लिखेंगे जो वैल्यू सेट में आएंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा करिएगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15 जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देता हूँ लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 1। तो अभी रियल नंबर और इन सबको मैंने नहीं बताया आपको, एंड ग्रेटर देन 1, ठीक, अब क्लियर हो गया। अब जो है हमारे ये तीनों जो वैल्यूज हमने लिखी थी, स्टेटमेंट फॉर्म जो लिखा हुआ है, एक ही प्रॉब्लम का स्टेटमेंट फॉर्म ये लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है और ये रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। अगर प्योरली इंग्लिश के फॉर्म में लिखा है तो वो स्टेटमेंट फॉर्म है, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो फिर वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और अगर डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई है तो फिर वो रोस्टर फॉर्म है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉर्म, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट, कि एक्स की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन हमने आगे लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में आप प्योरली इंग्लिश लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा मैथमेटिक्स फॉर्म लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यूज लिखेंगे। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आप इन तीन तरीके से कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको स्टेटमेंट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म एक ही जगह मिलेगा, तो उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो दोनों को एक जगह मिक्सअप कर दीजिएगा, चाहे एक साथ लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये हो गई आपकी स्टेटमेंट फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, या फिर आपको कोई एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और प्रॉब्लम से कहा जाएगा कि स्टेटमेंट फॉर्म दिया रहेगा, कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म बनाइए या रोस्टर फॉर्म बनाइए। तो इस तरीके से एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए थोड़ी सी मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताता हूँ। कुछ एक टर्म यहाँ पर आता है कार्डिनलिटी, आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कार्डिनलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेट ए लिखा हुआ है और इसमें तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी, आपसे पूछा जाता है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे n ऑफ a इक्वल टू 3, या फिर ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ a इक्वल टू 3। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपके एलिमेंट्स दिए गए थे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो मैंने आपको बता दी 3, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n ऑफ a या फिर
मॉड ऑफ ए। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट बताता हूं आज के इस वीडियो में कि कितने तरीके के सेट होते हैं, कितने तरीके से हमारे सेट्स होते हैं। जितनी भी सेट के टाइप्स की टर्मिनोलॉजी होती है मैंने सारी लिख दी है यहाँ पर, सारे एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो सेट से जुड़े हुए जितने भी टाइप के हमारे सेट्स होते थे ये सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब देखो एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि इनमें ये आपके सेट्स होते क्या है। फाइनाइट सेट वो होता है जहां पर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया ए इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ पर क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि चार एलिमेंट्स हैं तो ये चार ही एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइनाइट सेट। इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। इनफाइनाइट सेट का मतलब जहां पे वैल्यूज फाइनाइट नहीं होती हैं, जैसे मैं लिखता हूं ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, या मैं लिखता हूं ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये नंबर्स कितने होते हैं, कितने भी हो सकते हैं इनफाइनाइट तक, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, ये क्या एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, ये सारे मैं डिफरेंस करके बताऊंगा आपको, है ना। इसके बाद एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्प्टी सेट। अब देखिए एम्प्टी सेट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज फाई। ऐसा एली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो आप या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए या फिर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, दोनों का मतलब होता है एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है या फिर फाइव। ध्यान रखिएगा इस तरीके से हम इसको नहीं लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अगर ये लिखा हुआ है दैट मीन्स इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, दैट इज फाइव। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो इस तरीके से या फिर केवल फाइव। सिंगलटन सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। या अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, a इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये दोनों ही हमारे क्या लिखे हुए हैं, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंट सेट। इसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट सेट वो बोले जाते हैं जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो, कार्डिनलिटी सेम हो मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए लिखा हुआ है 1 2 3 और बी लिखा हुआ है ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट सेट हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, कितनी है 3, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। बट इन इक्वल सेट कार्डिनलिटी सेम से मतलब नहीं होता, यहाँ पे एग्जैक्ट एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू लिखता हूँ 3 1 2, तो और यहाँ पे C इक्वल टू लिख देता हूं मैं ए बी सी, तो देखिए हम कह सकते हैं कि A और B जो है ये दोनों इक्वल सेट है, ये और दोनों क्या है इक्वल सेट, और A और C क्या है ये इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है, क्योंकि A की कार्डिनलिटी और C की कार्डिनलिटी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A और C जो है हमारे इक्विवेलेंट सेट है बिकॉज इनकी कार्डिनलिटी सेम है। बट ए और बी एलिमेंट्स हैं जिनके, देखिए आप ऑर्डर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग उन सेट में पढ़ा होगा जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए और बी हमारे इक्वल सेट्स हैं बट ए एंड सी हमारे क्या है, इक्विवेलेंट सेट। तो डिफरेंस अब क्लियर होना चाहिए, जहां पे कार्डिनलिटी सेम हो वो होते हैं इक्विवेलेंट सेट, जहां पे एलिमेंट सेम हो उनको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब जिनमें
डिसजॉइंट सेट दो सेट में निकाला जाता है, डिसजॉइंट सेट्स, सेट्स लिख देता हूँ, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे ए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 और बी इक्वल टू लिखता हूँ मैं 4 5 6, तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों हमारे क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अब देखिए सबसेट कैसे लिखा जाता है। अब लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, दोनों का मतलब समझिए। सबसेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं केवल इस सिंबल से। अब डिफरेंस क्या है? अगर मैं लिखता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे बी, ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, बट इक्वालिटी भी हो सकती है। जैसे मैं कहता हूं कि a इक्वल टू 1, 2, ठीक, और b इक्वल टू मैं लिखता हूं 1, 2, b इक्वल टू मैं लिखता हूं 1, 2, तो हम लिख सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, बट इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, a इक्वल टू बी भी हो सकता है। ठीक, या ऐसे कहिएगा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए बी। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में देखिए ए की वैल्यू सपोज करो मैं लेता हूं 1, 2, और बी की वैल्यू जो होती है इसको हम लोग ले सकते हैं 1, 2, 3। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं। अब देखो यहाँ एक चीज देखने वाली है, अगर यहाँ पर मैं इसी में समझ लो एग्जांपल, A की वैल्यू है 1, 2 और B की वैल्यू है 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, तो भी गलत नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉपर सबसेट होता है, जो हमारा सबसेट होता है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है। ठीक, बट जरूरी नहीं कि प्रॉपर सबसेट है तो सबसेट हो। ठीक, तो आप इसमें मोटी सी बात ये समझिए, जब हम इस तरीके से लगाते हैं इक्वल टू वाली कंडीशन लगती है, तो लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट से कैलकुलेट होके आने चाहिए, और दोनों के एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ पर इक्वालिटी वाली कंडीशन नहीं लगती है। अगर आपका ए का एलिमेंट है 1, 2, बी का एलिमेंट है 1, 2, तो हम कहीं पर भी इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ये लिखेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में तो यही लिखना पड़ेगा कि सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट में क्या है कि राइट हैंड साइड पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। अब देखिए सुपरसेट, जब हम सबसेट और सुपरसेट की सबसेट और प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, तो जो हमारा राइट हैंड साइड का सेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसेट। जो राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपरसेट। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, इस तरीके का सिंबल लगा के। अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट है वो सुपरसेट होगा किसका, ए का, लेफ्ट राइट हैंड साइड का। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। इधर क्या होगा, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे समझिए जिस तरफ आपने दो लाइनें ये कर दी तो वो हमारा होगा क्या, सुपरसेट। अब देखिए पावर सेट, पावर सेट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब अगर कहा जाए कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, तो हमें अगर इसका पावर सेट निकालना है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले तो जीरो लेंथ, या ऐसे कहिएगा कि कोई भी एलिमेंट ना हो तो हो गया फाई, ठीक है ना। फिर सिंगल एलिमेंट तो 1, फिर दूसरा एलिमेंट 2, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन 1, 2, तो ये चार एलिमेंट हो गए। अब इनको दोबारा से अगेन बंद कर दीजिएगा तो ये हो गया इसका पावर सेट। अगर सपोज करो एक एलिमेंट दिया गया है, सपोज करो कोई मैंने बी एक सेट लिया
जिसमें एलिमेंट दिया गया है एक एक्स, तो इसका पावर सेट अगर आपसे निकालने को कहा जाए तो क्या होगा, एक तो एक भी लेंथ ना हो, जीरो मतलब एलिमेंट्स हो, तो हो गया फाइव कॉमा, दूसरा एलिमेंट क्या बचा एक्स। अब यहाँ दो लेंथ दो एलिमेंट है नहीं, तो दो ही एलिमेंट आएंगे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम फाइव कॉमा एक्स। तो आप ऐसे समझिएगा अंदर जितने एलिमेंट हों, अगर एन एलिमेंट हैं तो टू टू दी पावर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसके अंदर, पावर सेट के अंदर। यहाँ देखिए एक एलिमेंट था तो टू दी पावर वन इक्वल टू क्या हो गया टू, तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं दो, फाइव और एक्स। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट थे तो टू टू दी पावर टू करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर, तो देखिए चार ही एलिमेंट थे फाइव वन टू और वन टू, तो ये हो गया पावर सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें से हमारे और सेट कैलकुलेट होके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू अगर आपने लिख दिया है वन टू थ्री फोर, तो ये जाहिर सी बात है ये वन टू थ्री फोर कहाँ से आया होगा, तो ये जो वन टू थ्री फोर है ये जिस सेट से निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल ए मैंने लिखा वन टू थ्री फोर और बी इक्वल टू लिख दिया थ्री फोर फाइव, तो जो इसका मास्टर सेट होगा यूनिवर्सल सेट, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये वन टू थ्री फोर कॉमा फाइव, इससे निकल के आया हमारा क्या यूनिवर्सल सेट। तो पावर सेट और यूनिवर्सल सेट में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें से ये सेट कैलकुलेट होके आते हैं, और पावर सेट का मतलब है जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनका सभी का एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और कितने होंगे टू टू दी पावर एन, जितने आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से टू टू दी पावर एन। ठीक, तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ सेट की बात। अब देखो कुछ नॉर्मल बात बताता हूँ जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, जब भी हम कहीं पर सेट लिखते हैं तो सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। अगर सपोज करिए लिखा गया है वन वन कॉमा टू, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे वन कॉमा टू। अच्छा, इसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ अलग मतलब होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मल्टी सेट की कहानी है। जब मैं मल्टी सेट अभी आगे बताऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो मल्टी सेट में हम इस सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर टू टाइम्स वन आया है तो टू कॉमा वन कॉमा टू। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तक स्पेसिफिक वर्ड मेंशन नहीं किया गया है कि ये मल्टी सेट है, तब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। नॉर्मल सेट की अगर बात की जाती है तो आप रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। तो ये बात हुई हमारी सेट्स की, जो रिपीटेड सेट रिपीटेड एलिमेंट्स लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि कितने कितने तरीके के नंबर्स होते हैं। देखो नंबर्स कितने तरीके के होते हैं मैं बताता हूँ। एक तो होता है नेचुरल नंबर, एक होते हैं रियल नंबर्स, एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल, आप देखिए इनको समझिए कि ये नंबर्स कैसे कैसे बनते हैं, ये क्या मतलब होता है इनका। जो नंबर्स वन टू से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। ठीक, अगर इसी में जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से लिखा जाता है, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, होल नंबर्स। ठीक, तो इस चीज को समझ लीजिए, अगर पॉजिटिव नंबर्स वन टू थ्री फोर वन से लिखे हुए हैं तो वो आते हैं नेचुरल नंबर की कैटेगरी में, और अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। अब रियल नंबर्स, अभी कुछ देर के लिए रियल नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, वन टू थ्री फोर जीरो और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो इतने नंबर पॉजिटिव और इतने नंबर्स नेगेटिव, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ये आपको मालूम होगा जीरो वन टू थ्री फोर और माइनस वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विद जीरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर्स। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो इस तरीके से लिखे जाते हैं फाइव बाई थ्री या लिखते हैं सेवन बाई फोर, ठीक, या डेसिमल नंबर्स जो लिखे जाते हैं 0.63, इन सारे नंबर्स को हम लोग रखते हैं रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि लिखा जाए अंडर रूट थ्री,
जो इस तरीके से लिखा जाते हैं पाई, है ना, या फिर ऐसा नंबर जो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.101101, आगे बढ़ता ही जा रहा है, डॉट 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 लगा दें, तो ये सारे नंबर्स आते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। ठीक, तो बात समझ में आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नेचुरल नंबर्स, 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर्स, इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, रेशनल नंबर्स इस तरीके से डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होते हैं जो इस तरीके से लिखे जाएंगे, और डेसिमल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स में अंडर रूट 3 पाई या जिनका कॉन्टिन्यूएशन में नंबर चलता रहेगा वो इस तरीके से। अब देखिए रियल नंबर्स जो मैंने बीच में ड्रॉप करवा दिया था उसका देखिए क्या होते हैं। रियल नंबर्स का मतलब होता है, मैं आपको क्लियरली लिख देता हूँ, रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। सबसे पहले तो आएगा आपका नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, इसके बाद इंटीजर्स, और इसके बाद रेशनल नंबर्स। इन चारों नंबर्स को कंबाइन फॉर्म में हम लोग बोलते हैं नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल नंबर्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल नंबर्स। अब इन नंबर्स का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ जगह स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर वहां पर नहीं दिया गया है कि नेचुरल है या रियल है या इंटीजर है, तो वहां जो अल्फाबेट लिखा हुआ होता है उसमें से हम लोग पहचान करते हैं क्या, कुछ जगह फिक्स ही होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है तो दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट होगा। अगर कहीं पर जेड लिखा हुआ है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर का सेट होगा। अगर कहीं पर क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो रेशनल नंबर का सेट होगा। अगर कहीं आर लिखा है तो हम लोग समझेंगे वो किसका नंबर है, वो रियल नंबर का सेट है। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है जेड प्लस, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और कहीं पर लिखा है जेड माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपकी फिक्स है एन नेचुरल नंबर्स के लिए, जेड इंटीजर के लिए, आर रियल नंबर्स के लिए, क्यू रेशनल नंबर के लिए, जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो इनमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में या कहीं पर भी लिखा हुआ है जेड तो वो अंडरस्टूड है कि वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कुछ जगह कन्फ्यूजन करने को ऐसा भी कह देते हैं कि जेड लिख तो देते हैं फिर आगे लिख देते हैं जेड बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, तो फिर आप उसको ध्यान में रखिएगा कि क्या कह रहा है। अगर नहीं दिया गया तो डिफॉल्ट में ये इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज और, कई बार एक चीज और पूछ ली जाती है कि ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। ऑर्डर ऑफ सेट, तो ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या साइज ऑफ सेट, ऐसे कह लीजिएगा साइज ऑफ सेट। तो साइज ऑफ सेट का मतलब अगर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, इसकी साइज क्या है 3, तो जाहिर सी बात है कोई भी टर्म लिखा रहे, ऑर्डर ऑफ सेट लिखा रहे, साइज ऑफ सेट लिखा रहे, या कार्डिनलिटी वर्ड लिखा रहे, तीनों चीजें एक ही बात को डिनोट करेंगी। ऑर्डर ऑफ सेट भी एक ही चीज होगा, साइज ऑफ सेट भी एक ही चीज होगा, कार्डिनलिटी लिखा हो तो वो भी एक ही बात होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट, या कार्डिनलिटी कह लीजिएगा या साइज ऑफ सेट कह लीजिएगा, कुछ भी कह लीजिएगा, तीनों एक ही चीज रहती है। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और, ये वो टॉपिक फिर बड़ा हो जाएगा, ऑपरेशंस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें हमने क्या किया, डिस्क्रीट में कुछ इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा सेट थ्योरी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, सारे टाइप्स बता दिए हैं, इसके बाद मल्टी सेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, बट सेट लिखने का तरीका बताया, मल्टी सेट को भी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नंबर्स बताएंगे, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, इसके बाद नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, कार्डिनलिटी, ऑर्डर या साइज ऑफ सेट क्या होता है ये बताया है। ठीक, तो हमारा ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था सेट थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।